हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम IIT JEE 2020 मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 18 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, कर्व है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द स्ट्रेट लाइन वाई बराबर एक्स एंड वाई बराबर जीरो इज, और ऑप्शन है हमारे ये ऑप्शन नीचे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम एरिया बनाने के लिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कि ये ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा या एरिया जो है वो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो एरिया बनाते हैं हम पहले। तो फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक हमारे पास जो इक्वेशन है ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका पॉइंट जो है हमारे पास, जो ओरिजिन जो है वो है हमारे पास जीरो एंड रूट टू। फ्रेंड, जीरो एंड रूट टू पे से एक हमारे पास यहाँ पे जैसे रूट टू है तो यहाँ से एक सर्कल है ये, और सेकंड है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4x यानी कि रेडियस है इसकी 2, तो ये वाला सर्कल है। इस तरह से ये दो सर्कल है। अब फ्रेंड्स, अगर हम x बराबर वाई पुट करें इन दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन भी निकालनी है, तो स्ट्रेट लाइन को पहले हम पुट कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है, वाई बराबर एक्स, यानी कि ये लाइन जो है वो। अब हमारे पास चाहिए कि हमारे पास जो एरिया पूछा है और वाई बराबर जीरो है, तो एरिया हमसे ये पूछा है। तो फिर एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर हम इस पार्ट का निकालेंगे, यानी पहले हम एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी का हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ओ सी डी, और अगर हम एरिया ऑफ ओ सी डी में से एरिया ऑफ ओ बी ए इसको माइनस कर दें तो ये वाला एरिया बच जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पोलर फॉर्म ले रहे हैं। पोलर फॉर्म लेंगे तो क्या लेंगे हम उसको, पोलर फॉर्म लेने पर एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है जो इक्वेशन है, पहले हम क्या कर रहे हैं एरिया ऑफ, पहले हम दोनों इक्वेशन को पोलर फॉर्म बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 2r cos थीटा, या ये हो गया r बराबर 2 cos थीटा, ये आ गया हमारे पास। और इस तरह हमारे पास सेकंड जो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट सर्कल, छोटा वाला सर्कल जो है वो हो गया। अब बड़े वाले सर्कल के इक्वेशन को हम पुट करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये 4x, तो ये हो जाएगा हमारे पास। और एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर बराबर 4 कोस थीटा। अब फ्रेंड्स, वाई बराबर एक्स से हम क्या देख सकते हैं, तो आर कोस थीटा बराबर आर साइन थीटा, तो ये हो गया हमारे पास। ये कब होता है, आर से आर कट जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा इक्वल कब होते हैं, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो। तो ये हो गया हमारे पास कि थीटा की वैल्यू जो है वो, ये थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाई 4 है। तो अब यहाँ से हम एरिया निकालते हैं, पहले निकाल रहे हैं हम छोटे सर्कल का, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ ये हम निकाल रहे हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर। अब यहाँ पहले हम आर की रेंज लिखेंगे, तो आर की रेंज क्या है, 0 से 2 कोस थीटा, आर बराबर 2 कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 0 to π/4, ये सी रेंज है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आर के करस्पॉन्डिंग इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल टू 0 to θ = π/4, ये हो गया, ये आर स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया हमारे पास आर बराबर 0 से 2 cos थीटा। तो ये हो गया हमारे पास आर बराबर 0 से 2 cos थीटा, ये पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 0 to π/4 ऑफ d थीटा। तो ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ से 0 to π/4, और ये 2 से ये कर जाएगा तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास।
अब फ्रेंड्स हमारे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, वो होता है बराबर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं हम टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हमारे पास कॉस टू थीटा प्लस वन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, अब तो ये हो जाएगा हमारे पास चेंज होके जीरो टू पाई बाई फोर, और ये हो गया हमारे पास, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी कॉस टू थीटा प्लस वन। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं जीरो टू पाई बाई फोर कॉस टू थीटा प्लस वन। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास ऑफ डी थीटा, तो डी थीटा के करस्पॉन्डिंग इसका पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टू थीटा का हो जाएगा हमारे पास साइन टू थीटा अपॉन टू प्लस थीटा, और लिमिट जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास जीरो टू पाई बाई फोर। तो पाई बाई फोर की वैल्यू पुट करते हैं तो पाई बाई फोर ये हो जाएगा साइन वन पाई बाई फोर, यानी कि साइन पाई बाई टू की वैल्यू, साइन पाई बाई टू बराबर होता है वन बाई टू प्लस, ये हो गया हमारे पास थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बाई फोर, और जीरो पे दोनों वैल्यू जीरो होती है। तो ये हो गया हमारे पास ये छोटे जो सर्कल था उसका एरिया। अब फ्रेंड्स हम बड़े सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो बड़े सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या चेंज होगा, इसमें इस इक्वेशन में पूरी में जो चेंज होगा वो होगा यहाँ पे हमारे पास फोर आ जाएगा, क्योंकि और सब थीटा की रेंज जो है जीरो टू पाई बाई फोर है, आर की रेंज जीरो टू जो फोर कॉस थीटा हो जाएगी। तो इसी इक्वेशन में सिर्फ फोर कॉस थीटा पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारे पास डबल इंटीग्रेशन आर बराबर जीरो टू आर बराबर फोर कॉस थीटा और ये थीटा टू जीरो टू पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा आर डी थीटा डी आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बराबर जीरो टू पाई बाई फोर, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू फोर कॉस थीटा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 आएगा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा पर टू अपॉन टू है तो 16 को काट देंगे तो 8 बार आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बराबर जीरो टू पाई बाई फोर कॉस स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा, या इसको लिख लेंगे हम थीटा बराबर फोर थीटा बराबर जीरो टू पाई बाई फोर टू कॉस स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। अब फिर से टू हमें टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो ये फोर यहाँ पे बाहर है, तो ये वैल्यू हम पूरा इक्वेशन को सॉल्व करें या डायरेक्ट हम क्या करें, ये जो पहले हमने सॉल्व किया ये यही वैल्यू थी हमने पास जो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था और उसका इंटीग्रेशन आया था वन बाई टू प्लस पाई बाई फोर, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट हम वहाँ से लिख देते हैं वन बाई टू प्लस पाई बाई फोर। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया था वो रिक्वायर्ड एरिया क्या था, बड़े सर्कल था जो बड़ा सर्कल था, यानी ये बड़ा वाला सर्कल था, इसमें से छोटे वाला सर्कल का एरिया हमें माइनस करना है, तो ये माइनस कर देते हैं हम। तो ये माइनस करने पे अगर इसी में हम यहीं पे कर रहे हैं माइनस वन बाई टू प्लस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री वन बाई टू प्लस पाई बाई फोर। फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, अब ये आंसर हम देखते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हम देखते हैं तो वन बाई फोर आ रहा है, इसमें वन बाई टू प्लस फाइव बाई फोर ये आ रहा है, तो इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।